तो हमारे साथ साध्वी गीतांबा जुड़ चुके हैं। साध्वी जी, आपने बयान सुना होगा किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने माता लक्ष्मी को लेकर टिप्पणी की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो है ना, इनका दिमाग अब कमजोर हो गया है, इनको राजनीति से भी इस्तीफा दे देना चाहिए और समाज से भी। कारण क्या है कि इन्होंने जो हमारे धर्म का अपमान करना, ये अपने एकदम गांठ बांध लिए कि नहीं हमको अपमान ही करना है, तो ये अपना नाम ही बदल दें। ये अपना नाम रावण रख सकते हैं, ये अपना नाम कोई मौलाना खान रख सकते हैं, ये अपना नाम क्रिश्चियन रख सकते हैं। इनको स्वामी प्रसाद मौर्य तो लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह से हमारे सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, ये हिंदू कहलाने योग्य ही नहीं है। और रह गई बात ये आदिशक्ति भगवती लक्ष्मी का जो अपमान कर रहे हैं, इनके घर में खुद पुत्रियां हैं, इनको खुद सोचना चाहिए कि हमारे घर में लड़कियां हैं, ये अपनी कन्या का अपमान कर रहे हैं, हमारे आदिशक्ति का अपमान नहीं कर रहे हैं, ये अपनी ही बच्चियों का अपमान कर रहे हैं। क्या हमारे समाज में जितनी भी लड़कियां हैं उनका ये अपमान कर रहे हैं? माता लक्ष्मी का अपमान थोड़ी कर रहे हैं। कोई अगर आकाश में थूकेगा तो उसी के मुंह पर पड़ेगा, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह पर पड़ रहा है जो इन्होंने हरकत किया है हमारे सनातन धर्म के खिलाफ, जो ये उठे हुए हैं। इनको अगर कड़ी से कड़ी सजा न दी जाएगी तो ये पागल होकर के कुछ दिन में सड़कों पर घूमेंगे, इनको सजा की जरूरत है। जी देखिए, उन्होंने कहा है कि अगर पूजा करनी है तो अपनी पत्नी के कीजिए, वो लक्ष्मी का रूप है, उनकी पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो हमारा देखभाल करती है, हमारा भरण पोषण करती है, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल उनको करना चाहिए, उनको एक सिंहासन बनवा देना चाहिए, सिंहासन बनवा करके उस पर बैठा देना चाहिए। और लक्ष्मी की बहन एक दरिद्रा थी, उसी का नाम उनको लिख देना चाहिए कि ये दरिद्रता है हमारी पत्नी। और क्योंकि अगर पत्नी अपने पति को नहीं संभाल पा रही तो दरिद्रा की स्वरूप है, तो उनको एक आराम से एक बढ़िया सा सिंहासन बनवा करके और अपनी पत्नी दरिद्रता का आराम से वो करके, उन्हें माला फूल पहना करके, उनका आरती पूजा करके, उनकी दर्शन अर्चना करनी चाहिए। दूसरे को सीख क्या दे रहे हैं, पहले अपने घर में तो करें, और घर में ना करें, ये चौराहे पर मूर्ति बनवा दे, अपने पत्नी की मूर्ति नहीं बनवाना है, आराम से एक सिंहासन लगवा करके और सिंहासन पर अपनी पत्नी को बैठा करके, क्योंकि पत्नी का भी नाम कुछ हिंदुओं के समाज से ही होगा, तो उनका नाम वो न रख करके आदिशक्ति दरिद्रता देवी रख करके उनको सिंहासन पर बैठा करके और माला फूल चढ़ा करके जो भी ये करना चाहते हैं करें, शायद इनका परिवार इनसे कुछ सीख ले। हिंदू वर्ग तो नहीं सीखेगा, लेकिन हाँ इनका परिवार शायद इनसे कुछ सीखे कि दरिद्रता की पूजा कैसे होती है, तो हमें लगता है कि ठीक लगेगा उनके लिए। साध्वी जी, देखा गया होगा ये पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य चाहे हिंदू धर्म को लेकर टारगेट कर रहे हो, इसके पहले चुरामचरित मानस को लेकर, साधु संतों को लेकर भी वो अक्सर ऐसे विवादित बयान देते हुए नजर आए हैं। हमारे गांव में, हम गांव से भी रहे हैं, मेरे गांव में जिस सीआर की मौत आती है ना, बस्ती की तरफ भागता है, इसी तरह से ये कर रहे हैं, अपनी राजनीति से मौत कर रहे हैं अपनी, और ये इसलिए हिंदू समाज में घुस रहे हैं, बेमतलब का पैट रहे हैं, या ये अपने राजनीतिक मौत पूरी तरह से कर चुके हैं, और ये बस खाली अब विवादित बयान दे दे करके विवादों में खड़ा रह करके सुर्खियों में आना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं है। इनके घर में सबसे पहले दिवाली की पूजा हुई होगी, और सबसे पहले इनकी पत्नी दरिद्रता देवी ही लक्ष्मी की पूजा की होगी। समाज में जिस तरह से बोल के निकल जा रहे हैं, हिंदू वर्ग इतना सीधा होता है, इतना सहनशील होता है, कि इसको जितनी बार ये टारगेट करना चाहते हैं करके चुपचाप चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता है। और एक बार हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी मारने को उठे थे, तो उसके लिए इस तरह से इन्होंने बोला था कि हमारे ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए, हमारे ऊपर ऐसे ऐसे इन्होंने वो क्या बोलते हैं, हमारे ऊपर मारपीट करवाए, तो इस तरह से कोई कितना सहेगा? सहने की भी कोई सीमा होनी चाहिए, सहने तो देते ही नहीं है ये, तो इनको भुगतना है, राजनीति से अपना इस्तीफा लगा दे और एक विवादित बयान लेकर हमेशा खड़े हो और चौराहे पर खड़े होंगे, अपने आप उनको इसका परिणाम मिल जाएगा, जनता दे देगी इसका परिणाम। जी, हमारे साथ हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। शिशिर जी, आपने बयान सुना होगा जिस तरीके से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य को हमने देखा है, वो हिंदू धर्म को लेकर, रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी करते रहते हैं, इस बार उन्होंने देवी लक्ष्मी पर भी टिप्पणी कर दी। जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे जोड़ा प्राइम टीवी के आप लोगों ने, और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे चरण चाटने वाले, चरण पादुका उठाने वाले नेता जो है, जिस प्रकार से लगातार सनातन का अपमान कर रहे हैं, उसको लेकर बहुत ही हिंदू समाज में खेद है।
इसी को लेकर के मेरे छोटे भाई आकाश सैनी ने इनको जूता भी मारा और लगातार जूता ये खाते रहेंगे। और इनके जो नेता है वर्तमान में अखिलेश यादव जी, वो उनको भी समझना होगा कि इस तरीके के नेताओं का अगर पार्टी नहीं निकालते हैं तो उनको लखनऊ में जब वो परिक्रमा कर रहे थे एक धार्मिक कार्यक्रम में गुमती तट पे, तो उनको भी वहां जनता ने दौड़ा लिया, भक्तों ने दौड़ा लिया और उल्टी परिक्रमा करके अखिलेश यादव वहां से लौटे थे और उसके बाद उनके सुरक्षा कर्मी जूता छोड़ के वहां भागे थे। तो हो सकता है ऐसी और भी दुर्गति उनके भाग में लिखी हो। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस प्रकार से पत्रकारों का भी अखिलेश यादव जी ने अपमान किया अभी अभी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों की जो हिम्मत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि योगी सरकार उन पे कार्रवाई नहीं कर रही है और ना अखिलेश यादव की सरकार कर रही है, तो ये दोनों जने समान रूप से दोषी हैं। जब तक इन पे राजद्रोह का मुकदमा नहीं लगता है, देश को तोड़ने का, 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का, तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। उनको सुरक्षा दे दी जाती है, उनको सुरक्षित कर दिया जाता है, तो लेकिन आखिर कब तक ये बचेंगे ये भी हम देखेंगे। हिंदू महासभा के कार्यकर्ता इनको फिर से घेरने का काम करेंगे, जहां मौका पाएंगे इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देंगे इनको। जी देखिए साध्वी जी, शशिर जी कह रहे हैं कि हिंदू महासभा इनको घेरने का काम करेंगे और जहां पर देखेंगे उनको जवाब देंगे। बिल्कुल इनको जवाब देना चाहिए और इनको बात से जवाब देने से कोई मतलब नहीं है, टीवी पर जवाब देने से कोई मतलब नहीं है। ये जूते के आदमी हैं, इनको सड़क पर जूता लगेगा तभी ये जवाब पाएंगे। ऐसे टीवी पर डिबेट में इनको कौन सा जवाब मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। लेकिन इनको अगर हिंदू महासभा इनको सजा देती है तो सबसे पहले हम ही स्वागत करेंगे। ये इस तरह से हरकत जो हमारे सनातन धर्म पर बार 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 आघात करते चले जा रहे हैं और इनको कोई सजा नहीं मिल रही है, ये पागल हो चुके हैं। इनके परिवार को चाहिए कि इनको पागल खाने में भर्ती कर दें और वहां चाहे जो भी अलूल जलूल बके, क्योंकि हम लोग सड़क पर चलते हैं ना और पागल बोलते हैं तो लोग मुस्कुरा के निकल जाते हैं, तो कुछ दिन बाद हम लोग मुस्कुरा के निकल जाएंगे कि ये पागल है, पागल खाने में भर्ती हो गया है। शिशिर जी देखिए, लगातार इसके पहले भी देखा गया था जब रामचरितमानस को लेकर इन्होंने विवादित बयान दिया था और काफी विवाद भी हुआ था, लेकिन एक बार फिर से इस तरह की टिप्पणी देकर क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चाओं में रहना चाहते हैं, सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं? देखिए, कभी ये मायावती की चरण पादुका उठाते थे, कभी ये भाजपा में आ गए, भाजपा ने इनको सम्मानित किया, आपको याद होगा इसके बाद ये सपा में है और आपको याद होगा जिस प्रकार से इन्होंने रामचरितमानस के पन्ने को जलाने का भी कार्य किया था। अगर उसी वक्त कार्रवाई होती तो आज ये स्थितियां यहां तक ना आती। करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार से कमा के, अकूत दौलत कमा करके आज भी इनकी पुत्री भारतीय जनता पार्टी में है, राम जी की भक्ति कर रही है, तो अपना घर ऐसे नेताओं समझता नहीं है। और ये चले राष्ट्र की बात करने, समाज और धर्म की बात करने, तो उत्तर प्रदेश सरकार भी यहाँ कटघरे में है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इन पे कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है तो अखिल भारत हिंदू महासभा जहां पाएगी इनको उन्हीं की भाषा में सजा देगी। मैं फिर बार बार आपसे कह रहा हूँ, आकाश सैनी हमारा छोटा भाई था, उसने देखिए किस प्रकार से को खींच के जूता मारा था। तो ये जूताखोर नेता है और अखिलेश यादव जी भी कहीं ना कहीं कटघरे में आ गए इसको लेकर के। तो योगी जी को मैं आज फिर पत्र लिखूंगा कि इन पे कड़ी कार्रवाई करें, इन पे राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। देश का हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली, ऐसे पर पे मां लक्ष्मी जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जी साध्वी जी देखिए, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखी गई, प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा ताकि इस तरह के विवाद ना सामने आए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कोई गाड़ी पर जय श्री राम लिख रहा है तो उसके उसके गाड़ी का वो कट जा रहा है, चालान कट जा रहा है, और ये इतना बड़ा बड़ा विवादित बयान दे दे रहे हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल होनी चाहिए। और रह गई बात ये कि जो इनकी बेटी है सांसद, उनको भी अब बर्खास्त करना चाहिए कि ऐसे घर से लड़कियां आएंगी अगर तो सनातन धर्म के पीछे में क्या बताएंगी या हमारे नारी समाज को क्या बताएंगी, क्योंकि इनका बाप तो खुद ही एक हमारी आदिशक्ति का अपमान किया है, तो ये और अन्य लड़कियों का कितना अपमान करेंगे, इनका तो भगवान मालिक है। तो इनकी लड़की को भी संसदीय से क्षेत्र से निकाला जाए और इनको एकदम टिकट दिया ही ना जाए चुनाव लड़ने के लिए। और ये इस तरह से इनका पतन तो निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितना ये पतन अपना करा रहे हैं, कराते चले, इनका नाश निश्चित है। शशि जी, किस तरीके से आप देखते हैं धर्म की आड़ में इस तरह की राजनीति करना और इस तरह के बयान को?
देखिए प्रदेश पे कैसे हालत है आपको इससे समझना होगा। आजादी के वक्त से हिंदू महासभा राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रही थी सुप्रीम कोर्ट में, मैं पक्षकार रहा। उसके बाद से देखिए आज दीपोत्सव जो मनाया गया कल, वहां पर जिन मुगलों से हम लड़े उन्हीं मुगलों को से दिया बनवा के वहां दिया जलवाया जा रहा है। टेंट का काम हो चाहे बड़े बड़े काम हो, ये मुगलों को दिए जा रहे हैं। आखिर क्यों दिए जा रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से प्रश्न करता हूँ, ऐसे लोगों का जो गाय और भैंस का भक्षण करते हो, ऐसे लोगों को वहां पर काम क्यों दिया जा रहा है? भूमि पूजन हुआ जब वहां पर 5 अगस्त को, उस दरमियान भी हाशिम जो अंसारी बंधु थे उनको बुला करके वहां पूजा में बैठाया गया, आखिर क्यों? तो लगातार अपमानित करना और ये सोचते कि उधर हिंदू ये देख नहीं रहा, समझ नहीं रहा, हिंदू समाज सब देख रहा है समझ रहा है, और 2024 में इसका जवाब मिलेगा। अभी से चेतना होगा, दीपोत्सव की आड़ में मुगलों को फायदा, हिंदुओं के घर में अंधेरा उनको उजाला दिखाया जा रहा, लेकिन वो उजाला आ रहा मुगलों के घर से, तो ये नहीं चलेगा। तो हिंदू महासभा इसका कड़ा विरोध करती है, इसकी कड़ी मजम्मत करती है। साध्वी जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ मांग करना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से तो मेरी पहली मांग यही है कि जितनी जल्दी हो सके इनको गिरफ्तार करना चाहिए, और इनको गिरफ्तार करके इनकी मतलब जमानत तो इनका होने ही नहीं देना चाहिए, ये हम प्रशासन से मांग करते हैं। क्योंकि अगर इनका इनको सजा मिलेगी तो अन्य जो लोग जबान खोलते हैं ना उनकी जबान बंद हो जाएगी। जिस तरह से ये हमारे यहाँ खुलेआम बोलते चले जा रहे हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम मानते हैं कि भाई लोग कहते हैं कि हाथी चलती है कुत्ता भौंकता है, लेकिन कुत्ता भी अगर पागल हो जाए तो उसे भी लोग जहर का इंजेक्शन लगवा के मरवा देते हैं कि ये पागल हो गया है। तो ऐसा व्यक्ति जो समाज में गंदगी फैला रहा है इसको तुरंत सजा होनी चाहिए, इनको तुरंत जेल भेजना चाहिए, मेरी प्रशासन से यही मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है दीपावली के पर्व पर। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि ना 4 हाथ वाले आज तक कभी बच्चे पैदा हुए हैं, ना 8 हाथ वाले आज तक कभी बच्चे पैदा हुए, तो 4 हाथों वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती हैं? इसके बाद वो लगातार अब लोगों के निशाने पर आ गए हैं।